अस्सलाम वालेकुम डे फैन, माय नेम इज मकसूद अहमद कसूरी। आप देख रहे हैं WMTV डे फैन, आप देख रहे हैं WMTV डे फैन। अगर मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो डे फैन, आज मैं आपको इस एक सवाल का जवाब बताने लगा हूँ इस वीडियो में कि एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि हमारी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, ठीक है जी, पावर ऑफ हो जाती है। पावर ऑफ इस वजह से होती है मेरी बहना, हायर के जितने भी मॉडल हैं इनमें एक फ्यूज लगा होता है। उस फ्यूज का काम ये होता है जब मोटर हीट अप हो जाती है तो वो एज ए ब्रेकर, यानी कि ब्रेकर क्या काम करता है अगर हम आपको सिंपल लफाज में बताएं तो घर की पूरी जो बिजली होती है, वायरिंग होती है, इसमें हम एंड पे डीपी में ब्रेकर यूज करते हैं। ब्रेकर क्यों यूज करते हैं, किसी भी जगह पे किसी भी वक्त कोई भी रुकावट आ जाए बिजली में तो वो ऑटोमेटिकली ड्रिप करवा देती है तो वहां के कोई नुकसान ना हो। तो इसी तरह से हमारी वॉशिंग मशीन में एक फ्यूज लगा होता है जो कि हमें बताता है कि वॉशिंग मशीन जब मोटर हीट अप हो जाती है ज़्यादा चलने की वजह से, ज़्यादा लोड की वजह से, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली उस फ्यूज वॉशिंग मशीन को ऑफ करवा देता है, ड्रिप करवा देता है। तो वो थोड़े 15 से 20 या 25 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, यानी कि मोटर जब हीट अप कूल होती है हीट अप से तो वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था जवाब कि उसमें फ्यूज लगा होता है जब हीट अप हो जाती है मोटर, तो मोटर थोड़ी देर बाद जब आप उसको बंद कर देते हैं तो वो ठंडा हो जाती है। ठंडा होने के बाद दोबारा से वो हम उसको चला सकते हैं, मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।